दोस्तों आज आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं, बहुत बड़ी खबर बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीतते ही सबसे पहले हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से गाजियाबाद के अंदर जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के खिलाफ हमला बोला गया था। ये कहा गया था कि ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर घुसेंगे और लाउड स्पीकर उतारेंगे यानी अजान बंद कर देंगे। वो वीडियो पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ लगातार कई दिनों से कर्नाटक से खबर आ रही है हिजाब को लेकर। हिजाब वाली लड़कियों को क्लासरूम के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, वो लड़कियां बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भगवाधारी हैं, जो हिजाब के खिलाफ हैं, वो लोग अब नया पैंतरा अपनाया है और ये कह रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं, लड़कियों को जो परेशान कर रहे हैं, हिजाब को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं, मुसलमान लोग गलत कर रहे हैं। और मुझे कमेंट करके कहता है कि स्कूल के अंदर ड्रेस कोड होता है, हिजाब नहीं, इसीलिए हम जो विरोध कर रहे हैं, जो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, मुसलमान लोग गलत कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर करूँगा, वो भगवाधारी सही काम कर रहे हैं या मुसलमान लोग सही काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हिजाब क्यों ज़रूरी है, क्यों कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पसंद करती है, वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, कोई भी कीमती चीज़ हो चोरों की डर से उनको छुपाया जाता है ताकि कोई चोर चोरी करके भाग ना जाए। तो लड़कियों की जो इज्जत है इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, कुछ लड़कियां चाहती है कि मैं अपनी इज्जत को छुपा कर रखूं ताकि कोई चोरी ना कर ले, मुझ पर कोई हमला ना कर दे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, रोड पर जब लड़कियां चलती है तो चलते चलते इज्जत लूट ली जाती है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो एक झलक वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश का मामला है, एक दलित आदिवासी लड़की के साथ इस तरह हुआ। रोड पर खुल्लम खुल्ला सबके सामने इज्जत लूट ली गई। बताइए, ऐसे ऐसे चोर हैं, इसीलिए जो अपनी इज्जत को बहुत ज़्यादा कीमती समझती हैं वो लड़कियां अपनी इज्जत को छुपा कर चलना चाहती है। लेकिन फिर भी अपनी अपनी मर्जी है, ये देश आज़ाद है। कुछ लड़कियाँ चड्डी बनियान में घूमना पसंद करती है, कुछ लड़कियाँ तो धागा पहनना भी पसंद कर सकती हैं, तो कुछ लड़कियां हिजाब पसंद करती है। उसी के साथ साथ वो चाहती है कि हम स्कूल कॉलेज के अंदर भी हिजाब के साथ जाएं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, कमेंट करके आप देख सकते हैं, कि कॉलेज और स्कूल के अंदर ड्रेस कोड है, हिजाब नहीं। मतलब इनके हिसाब से जो भगवाधारी विरोध करते हैं हिजाब के खिलाफ, वो सही कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये कानून की बात बता रहे हैं, चलिए ठीक है, कानून की बात है तो यहाँ पर भी कानून दिखाइए। देखिए, इन लड़कों का क्या काम है बताइए, पढ़ना काम है। प्रिंसिपल ने इजाज़त दी थी, लेकिन ये लड़के लोग, स्टूडेंट लोग लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनकर कॉलेज क्यों आ रही हो। ये लड़कों का काम है, यहाँ पर भी कानून दिखाओ। ये काम हिजाब कौन पहनेगी नहीं पहनेगी, प्रिंसिपल का काम है, कोर्ट का, जज का, सरकार का काम है। लेकिन ये लोग कौन है, ये कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जज है, पुलिस वाले हैं, सरकार हैं, ये कौन है? इनका काम पढ़ाई है, बस पढ़ाई करो। हिजाब चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा वो सरकार के पास है, सरकार का मामला है, कोर्ट का मामला है, पुलिस का मामला है, प्रिंसिपल का मामला है। तो यहाँ पर भी कानून दिखाओ, ये गलत है। और जो लड़कियाँ हिजाब पहनकर जाती है, संविधान ने इजाज़त दिया है। हाँ, स्कूल कॉलेज की तरफ से जो ड्रेस कोड है, तो इसकी लड़ाई चल रही है, ये मांग हो रही है कि हम लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन भगवाधारी बीच में क्यों आ जाते हैं? तो यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगाइए और समझ जाइए, भगवाधारी जो बवाल कर रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं, राय दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।